Hi guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Films on YouTube channel. So, बात चल रही थी राशियों की और मर्करी के ट्रांजिशन के बारे में. आज हम बात करेंगे कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए मर्करी का ट्रांजिशन कैसा रहेगा. बिकॉज 26th ऑफ अक्टूबर को मर्करी जो है वो स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट हो रहा है और 2 मंथ एंड 5 डेज के लिए मर्करी स्कॉर्पियो साइन में रहने वाला है. यानी 1st ऑफ जनवरी 2019 तक मर्करी आपके स्कॉर्पियो साइन में रहेगा. ये ट्रांजिशन इतना खास इसलिए है कि मर्करी जो है वो जुपिटर के साथ आने वाला है. बिकॉज जुपिटर जो है वो 11th ऑफ अक्टूबर को स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट हुआ है. तो यहाँ मर्करी और जुपिटर दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है. जुपिटर यानी नॉलेज, मर्करी यानी इंटेलिजेंस. तो एक बिजनेसमैन और एक गुरु दोनों आपस में मिलने वाले हैं. तो बहुत ही खास योग है. मर्करी आपके 11th हाउस गेन हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है और आपके एसेंडेंट में आ रहा है यानी 1st हाउस में आ रहा है. तो ये एक बहुत अच्छा धन योगा बन रहा है. जब भी 11th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 1st हाउस में आता है, 2nd हाउस में आता है, 5th हाउस में आता है या 9th हाउस में आता है तो ये धन योगा बनाता है. यानी ये बहुत अच्छा धन योगा बन रहा है. दूसरी चीज़ ये कि जुपिटर जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है और वो भी आपके 1st हाउस में आ रहा है. तो लक और गेन दोनों आपके 1st हाउस में आ रहे हैं. तो यानी इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा गेन होगा. मॉनेटरी गेन आप कर सकते हैं. अलग अलग सोर्सेज से ऑटोमेटिकली आपके पास मॉनेटरी गेन आएगा. यानी अगर आप कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, कोई ट्राई नहीं कर रहे हैं, फिर भी डिफरेंट सोर्सेज से आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है. अदर्स की वैल्यू से आपको फ़ायदा होगा, अदर्स की सेविंग से आपको फ़ायदा होगा. बिकॉज 8th हाउस जो है वो अदर्स की वैल्यू और अदर्स की सेविंग है जो आपको विदाउट एफर्ट्स वो चीज़ें मिल जाएंगी. जुपिटर 2nd हाउस वेल्थ का लॉर्ड है और 5th हाउस लक का लॉर्ड है. मर्करी गेन्स हाउस का लॉर्ड है. तो ये सारे हाउसेस के जो लॉर्ड हैं वो आपके 1st हाउस में आ रहे हैं. तो यानी ये आपको बहुत ही मासिव गेन करवाने वाले हैं. इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन हो सकता है. जुपिटर रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, मर्करी रिप्रेजेंट करता है आपके वोकल टैलेंट को. जो भी आप बात करते हैं, जो भी आपकी स्पीच है, जो भी आपका कम्युनिकेटिव जो स्किल है वो मर्करी से देखा जाता है. तो दोनों का कॉम्बिनेशन स्कॉर्पियो साइन में बन रहा है. अब स्कॉर्पियो जो साइन है वो है 8th हाउस की एनर्जी यानी सीक्रेटिव एनर्जी यानी तांत्रिक एनर्जी, हिडन एनर्जी. तो इस पीरियड में आप कोई तंत्र मंत्र से संबंधित किसी नॉलेज को गेन कर सकते हैं या तंत्र मंत्र से संबंधित नॉलेज को आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. बिकॉज 1st हाउस यानी आपकी पर्सनैलिटी और मर्करी यानी कम्युनिकेशन यानी लोगों को एक्सप्लेन करना, लोगों को इन चीज़ों के बारे में रिवील करना, इन चीज़ों के बारे में बताना. तो सीक्रेट नॉलेज, सीक्रेट तंत्रा, मिस्टिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, टैरट, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों में आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है. यानी अगर आप कोई गुरु हैं, कोई टीचर हैं ऑलरेडी पहले से, तो आपको इस टाइम ऐसी चीज़ों की नॉलेज होगी जो आज तक आपको कभी नहीं हो पाई है. सीक्रेट चीज़ों को आप रिवील करेंगे और सीक्रेट चीज़ों को जानने की कोशिश भी करेंगे. जुपिटर 1st हाउस से आपके 5th हाउस को, 7th हाउस को, 9th हाउस को देख रहा है. तो इस पीरियड में क्या होगा कि लक जो है बहुत ज़्यादा साथ देगा. चाइल्ड बर्थ के योग बन रहे हैं, मैरिज के योग बन रहे हैं और कहीं अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. बिकॉज मर्करी जो है वो बिजनेस का लॉर्ड है, 11th हाउस गेन हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस को देख रहा है. यानी डिफरेंट पार्टनर के साथ, अदर्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ आप बिजनेस एसोसिएट कर सकते हैं और उनके साथ कोई ना कोई बिजनेस एलियांस भी आप कर सकते हैं. लेकिन केतु जो है वो आपके 1st हाउस के लॉर्ड यानी जहां पर जुपिटर और मर्करी प्लेस्ड हैं उस हाउस का जो लॉर्ड है वो है मंगल और केतु मंगल के साथ प्लेस्ड है.
तो यहाँ पर जुपिटर और मरकरी जो करने आए हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, बिकॉज केतु जो है वो मंगल के साथ प्लेस्ड है, यानी जो फर्स्ट हाउस की जो एनर्जी है केतु उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो जुपिटर और मरकरी जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मंगल जो है, मार्स जो है, वो 6 नवंबर को एक्यूरेस साइन में ट्रांजिट हो रहा है, तो उस पीरियड में आपको इन चीज़ों का बेनिफिट मिल पाएगा, यानी जो भी आप करना चाहते हैं वो 6 नवंबर के बाद आप कर सकते हैं, बिकॉज मंगल जो है वो एक्यूरेस साइन में ट्रांसफ़र हो रहा है। राहु ऑलरेडी आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है, कैंसर साइन में, और 9th हाउस से राहु का जो एस्पेक्ट है वो जुपिटर और मरकरी यानी फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि अगर आपने कोई रिसर्च किया है या कोई चीज़ आप रिवील कर रहे हैं या कोई भी आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं या लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी नॉलेज के बारे में, तो उसके थ्रू आपको इस पीरियड में काफ़ी नाम और फेम मिल सकता है, यानी इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं सीक्रेट चीज़ों को रिवील करने के कारण, सीक्रेट चीज़ों को बताने के कारण, तंत्रा के कारण, मंत्रा के कारण, और जो भी आपकी नॉलेज है उन चीज़ों के कारण आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको ये बताया कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए मरकरी का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है, और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि के बारे में, अपने स्कॉर्पियो साइन के बारे में या मरकरी के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।